हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडल्स ऑफ सक्सेशन। लास्ट टाइम पे हमने सक्सेशन के बारे में डिस्कस किया था कि एक्चुअल में सक्सेशन होता क्या है और उसके कितने टाइप्स हैं, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है मॉडल्स ऑफ सक्सेशन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो ये मॉडल ऑफ सक्सेशन क्या है, चलो उसको हम देखते हैं। देर आर थ्री मॉडल टू एक्सप्लेन द इकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द कम्युनिटी चेंज ड्यूरिंग सक्सेशन। यहाँ पर तीन इकोलॉजिकल मॉडल्स को जो होता है या मॉडल ऑफ सक्सेशन को जो है बताया गया है, ठीक है। तो सक्सेशन एक्चुअल में क्या था, मैंने लास्ट टाइम पे ही आपको बताया था कि सक्सेशन क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय अनदर कम्युनिटी, ठीक है। यानी एक कम्युनिटी जो होती है दूसरे कम्युनिटी को रिप्लेस करती है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे जो होता है पाइनियर से जो होती है क्लाइमेक्स स्टेज पर हम देखते हैं, स्टडी किया था लास्ट टाइम पे हमने। तो ये जो मॉडल्स हैं वो क्या बता रहे होते हैं कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को किस तरीके से रिप्लेस कर रही है, क्या रीजन हो सकते हैं, क्या कंडीशन हो सकती है जिसके बेसिस पे जो होती है ये रिप्लेसमेंट, इकोलॉजिकल रिप्लेसमेंट जो होती है देखने में मिलती है, ठीक है। तो ये मॉडल जो है तीन मॉडल्स हैं, तीन मॉडल्स में जो होते हैं आज हम डिस्कस करते हैं कि वो मॉडल एक्चुअल में क्या है। एक मॉडल है फैसिलिटेशन मॉडल, दूसरा है इनहिबिशन मॉडल, तीसरा है टॉलरेंट मॉडल, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फैसिलिटेशन मॉडल। देखो फैसिलिटेशन ये अपने आप में ही बता रहा है कि वो क्या करेगा, जो दूसरी स्पीसीज होगी दूसरी जो कम्युनिटी होगी उसको जो होता है फैसिलिटेट करेगा, उसे जो होता है उसे उसकी लाइफ को एग्जिस्ट करवाने के लिए, उसे सर्वाइव करने के लिए जो होता है एक फेवरेबल इन्वायरमेंट बनाएगा, ठीक है। तो इसी बेसिस पे जो होता है इस मॉडल को क्या कहा जाता है, फैसिलिटेशन मॉडल कहा जाता है। समझते हैं कि एक्चुअल में फैसिलिटेशन मॉडल या फैसिलेशन मॉडल जो होता है वो क्या है। तो बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट ओनली पर्टिकुलर स्पीसीज विद क्वालिटीज आइडियल फॉर अर्ली सक्सेशन कैन कॉलोनाइज द न्यूली एक्सपोज लैंड फॉर्म आफ्टर एन इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक जो होती है कॉलोनी, ठीक है, अर्ली सक्सेशन जो स्पीसीज होती है वो क्या करती है, पाइनियर स्पीसीज जो होती है एक बैरन लैंड पे आके जो होती है पहले आती है, ठीक है। हम न्यूडेशन क्या था, एक बैरन लैंड था, फिर उसके बाद जो स्टेप होता है इन्वेजन। तो इन्वेजन के थ्रू क्या होता है कि एक स्पीसीज या कोई स्पोर्स है कोई सीड जो होती है वो आके यहाँ पर रही, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद जो होती है फिर उसकी कॉलोनाइजेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, तो ये क्या हुआ, जो पहली जो स्पीसीज आई, ठीक है, पहला जो जो स्पीसीज आई जिसे हम पाइनियर स्पीसीज कह रहे हैं या हम उसे अर्लियर सक्सेशन भी कह सकते हैं क्योंकि अर्ली स्टेज है सक्सेशन का, ठीक है, पहला स्टेप है सक्सेशन का, इसीलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, अर्लियर सक्सेशन कह रहे हैं। तो हम देखते हैं कि पहले जब ये स्पीसीज आई अर्लियर सक्सेशन हुआ तो उसके बाद क्या होता है, Thus, the presence of early successional species often changes the environment so that the habitat is less hospitable for the original species. ठीक है, चलो इसको यहां पर समझते हैं कि एक जो है ये एक लैंड था, ठीक है, बैरन लैंड था। यहां पर पहली जो स्पीसीज आई, जस्ट सपोज के लाइकेंस आए, ठीक है, सबसे पहले जो होता है लाइकेन आए। जब ये लाइकेन यहाँ पर सरवाइव कर रहा है उसके बाद जो होती है कुछ लाइकेन्स की डेथ हो जाएगी, कुछ होंगे यहाँ पर ऑलरेडी, तो जब उनकी डेथ होगी तो जो होता है उनकी डेथ के बाद जो होता है डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल जो होती है वो इंक्रीज करेगा। ऑर्गेनिक मटेरियल इंक्रीज कर रहा है दैट मीन्स सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज करेगी। तो अब जब सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो ऑब्वियसली सॉइल मॉइस्चर जो होता है उसका रेंज जो होता है ज्यादा होगा। तो ये जो होती है, जो मतलब इनके लिए जितना सॉइल मॉइस्चर चाहिए उससे ज्यादा हो गया, तो ऑब्वियसली ये एनवायरनमेंट क्या हो गया, इसके लिए लेस हॉस्पिटेबल हो गया, यानी इसके लिए इतना सुटेबल नहीं है, इसको यहां पर एग्जिस्ट करने के लिए जो होता है लेस सुटेबल हो गया। लेकिन ये क्या करेगा, ओन इकोलॉजिकल डिमांड एंड फैसिलिटेट द इन्वेजन, फैसिलिटेट करवाएगा इन्वेजन ऑफ लेटर सक्सेशनल स्पीसीज। इसने क्या कर दिया, इसके डिकम्पोजिशन की वजह से सॉइल मॉइस्चर जो होता है, क्योंकि देखो जब डिकम्पोज होगा ऑर्गेनिक मटेरियल इंक्रीज करेंगे सॉइल में, और सॉइल में अगर ऑर्गेनिक मटेरियल इंक्रीज करता है तो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाती, ऑटोमेटिकली क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती। तो ऑब्वियसली जब ये वो रेनफॉल वगैरह होगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी इंक्रीज है, तो
ऑब्वियसली वाटर का कंटेंट उसमें ज्यादा हो जाएगा। तो अब उसके क्या होगा, जब वाटर का कंटेंट जब ज्यादा होगा तो यही जो लाइकेन होगा वो हर्ब्स को जो होता है प्रमोट करेगा यहाँ पर ग्रो करने के लिए, करेगा कि नहीं करेगा। तो इसी तरीके से तो ये क्या है, लाइकेन क्या था, पाइनियर स्पीसीज थी, अर्ली सक्सेशन स्पीसीज थी। लेकिन जो ग्रासेस वगैरह का जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये क्या है, लेटर सक्सेशनल स्पीसीज है। तो इसके लिए तो ये इन्वायरमेंट अनसुटेबल हो गया, लेकिन हर्ब्स के लिए, ग्रासेस के डेवलपमेंट के लिए ये वाला जो सॉइल का जो मॉइस्चर है, जो सॉइल की कंडीशन है, वो क्या हो गई, फेवरेबल हो गई। ठीक है, तो यानी ये क्या करता है, लाइकेन ने क्या किया, इसके लिए जो होता है इसको फैसिलिटेट किया, हर्ब्स की जो होती है ग्रोथ को फैसिलिटेट किया। ठीक है, तो वही चीज में हम उस फैसिलिटेशन मॉडल में स्टडी करते हैं। इस मॉडल को हम देखते हैं कि मॉडल जो होता है कैसे मतलब होता है। तो देखो यहां पर ए बी सी एंड डी, ये ए टू डी जो है वो डोमिनेंट स्पीसीज को शो कर रहे हैं। ठीक है, डोमिनेंट स्पीसीज। ठीक, और जो पॉजिटिव साइन है वो पॉजिटिव साइन जो होती है फैसिलिटेशन को जो होती है इंडिकेट कर रही है। ठीक है, फैसिलिटेशन को इंडिकेट कर रही है। और ये जो सर्कुलर एरो जो है, इसमें जो होती है ये सर्कुलर एरो जो होता है, यानी यहाँ पर डी वाली स्पीसीज अपने आप को खुद रिप्लेस करेगी। देखते हैं कि क्या है एक्चुअल में, अब इसको समझते हैं, अब आपके समझ में आएगा। देखो ये जो है, ये ए स्पीसीज पाइनियर स्पीसीज है। ठीक है, यानी सबसे पहले बैरन लैंड पे जो होती है ये स्पीसीज आके ग्रो की होगी। उसके बाद जो होती है ये इंटरमीडिएट स्पीसीज है, और ये जो है क्लाइमेक्स स्पीसीज है। ठीक है, ए बी सी एंड डी, यहां पर ये चीज थी। तो अब यहाँ पर जो पाइनियर स्पीसीज है वो क्या करता है, ये अगर ये यहाँ पर है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा बी के लिए। यहाँ के जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होगा वो बी वाली स्पीसीज के लिए फेवरेबल बनाएगा। ठीक है, और बी जो होगा सी के लिए फेवरेबल बनाएगा, और सी जो होगा डी के लिए फेवरेबल बनाएगा। यानी इन्वायरमेंटल कंडीशन जो होता है अदर लेटर सक्सेशनल स्पीसीज के लिए क्या किया जाता है, फेवरेबल बनाया जाता है। लेकिन जैसे ही अदर सक्सेशनल स्पीसीज के लिए इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल हो जाता है, तो वही इन्वायरमेंटल कंडीशन पाइनियर यानी जो अर्लियर सक्सेशन स्पीसीज है उसके लिए क्या हो जाता है, अनफेवरेबल हो जाता है। साथ ही साथ ये जो मतलब जो लेटर सक्सेशनल स्पीसीज होती है वो कॉम्पिटिटिवली जो होती है सुपीरियर होती है इन कंपेरिजन ऑफ पाइनियर स्पीसीज। ठीक है, यानी ए के कंपेरिजन में अगर बी को देखा जाए तो ये कॉम्पिटिटिवली क्या होगी, इससे सुपीरियर होगी। यानी बी जो होता है ए से सुपीरियर है। इसी तरह से सी जो होगा वो बी से जो होता है कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर होगा, और डी जो होगा वो सी से कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर होगा। तो क्या होता है, देखो ये एक एरिया है, ठीक है, जहां पर ए ने जो होता है प्रमोट कर दिया बी के रहने के लिए। ठीक है, उसे प्रोवाइड कर दिया सारा इन्वायरमेंटल कंडीशन उसके फेवर, लेकिन रिसोर्सेस तो लिमिटेड है ना, तो रिजॉर्ट और ए स्पीसीज भी तो थोड़े टाइम के लिए रहेगी। तो क्या होगा, जब रिसोर्सेस लिमिटेड है तो ये क्या कर देगा, इसे कॉम्पिटिटिवली जो होता है इसे एक्सक्लूड आउट कर देगा। तो जब ये इसको एक्सक्लूड आउट कर देगा तो एक टाइम के बाद इसकी जनरेशन खत्म हो जाएगी, फिर उधर पर डोमिनेंसी किसकी आएगी, बी की आएगी। तो सेम कंडीशन जो होता है ये चीज चलते रहती है कि जो पहले तो पाइनियर ने क्या किया, इसके लिए फेवरेबल बना दिया, तो इसकी वजह से इसकी जो जनरेशन है बी वाले की वो बढ़ गई। फिर उसके बाद ये बी वाला कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर था तो उसने क्या कर दिया, कंप्लीटली इसको यहां से रिमूव कर दिया। तो ऑब्वियसली डोमिनेंसी किसकी हो गई, बी की हो गई। तो सेम थिंग जो होती है ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो होता है चलते जाता है, लास्ट जो होता है क्लाइमेक्स स्टेज आता है। क्लाइमेक्स स्टेज वो होता है जिसे हम स्टेबल स्टेज बोलते हैं। ठीक है, इसको जो होता है कोई भी अदर स्पीसीज या अदर कम्युनिटी रिप्लेस नहीं कर सकती, लेकिन हाँ कुछ इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस की वजह से, ठीक है, ये स्पीसीज अपने ही आपको रिप्लेस कर सकती है। जैसे अगर कोई फायर वगैरह हो गया, ठीक है, फ्लड वगैरह आ गया जिसके बहाव की वजह से ये स्पीसीज अपने ही आप जो होती है वहां से खत्म हो जाएगी, लेकिन कोई अनदर स्पीसीज इसे रिप्लेस नहीं कर सकती। तो वही चीज जो होता है ये सर्कुलर के फॉर्म में जो होता है, सर्कल के फॉर्म में एरो जो बताया गया है उसका मतलब ही होता है कि ये जो स्पीसीज है अपने आप को खुद रिप्लेस करेगी किसी इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे, कोई अनदर स्पीसीज इसे रिप्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये जो मॉडल है, ये जो मॉडल था उसे क्या कहते हैं, फैसिलिटेशन मॉडल कहते हैं।
नेक्स्ट जो मॉडल है वो है टॉलरेंट मॉडल। टॉलरेंट का मतलब ही वो अपने आप ही बता रहा है कि एक दूसरे को क्या कर रही हैं यहाँ पर स्पीसी जितनी भी हैं वो एक दूसरे को टॉलरेट कर रही हैं, बर्दाश्त कर रही हैं। ठीक है।